अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। ये मेरा इतना ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है अब दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लगा के रखे हैं पन्नी और बारिश में इतनी बारिश हो रही है ना इस मौसम में कि पूरा घर में पानी आता है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर लगा के रखी थी ये साड़ी, जिसमें जो बौछार है मेरे घर में ना आए, फिर भी बौछार आ रही थी। तो फाइनली अब मेरे भाई ने आज इसे ये लगा दिया है। और कल मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी रात में, तो हम लोग उसको सुबह में लेके गए शताब्दी हॉस्पिटल, और वहाँ पर पता चला कि उसको किडनी स्टोन है 8.5 mm का। अल्लाह उसको रहम करे, इतनी तकलीफ की मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फाइनली आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई ठीक है, और अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने भी बीमार हैं परेशान हैं उन सबकी बीमारी परेशानों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो उसकी खुशी में आज हम बनाने वाले हैं कुछ मज़ेदार रेसिपी, जो कि आपको पता है ये नॉर्मल अखनी पुलाव है और ये मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा लजीज बना था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, तो इस बार मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज की रेसिपी जो है अखनी पुलाव। किस तरीके से बनाएंगे चलिए देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम बनाई थी, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने घर पे बनाया है। 2 आड़ी लहसुन और थोड़ा सा अदरक लेके इसको पीस लिया है। यहाँ पर मैंने गोश्त का इस्तेमाल की हूँ जो कि बकरे का है। आप चाहे तो कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं या बीफ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 बड़े प्याज, 8 से 9 मिर्ची, आधी कटोरी धनिया और पुदीना को काट, 3 से 4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच पिसी धनिया, और यहाँ पर हमने ऐड किया है भुना हुआ अक्की धनिया और जीरा का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना मिर्ची, 1 कटोरी दही, नींबू का रस, और यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था 2 चम्मच, थोड़ा सा खड़ा मसाला ऐड करेंगे। खड़े मसालों में 2 बड़ी इलायची, फूल पत्ती और साथ में तेज पत्ता ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई थी उसके अंदर ग्रीन मिर्ची डाल के इसका पेस्ट बना ली। अब यहाँ पर हम चढ़ाएंगे कुकर, कुकर में भी हम डालेंगे 1 कटोरी तेल, क्योंकि तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अक्के मसाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बड़ी इलायची, फूल की 2 पत्ती और आधा चम्मच जीरा। इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा 2 से 3 तेज पत्ता ऐड करेंगे, इसको 2 मिनट तक पकाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े कटे हुए प्याज ऐड कर दी हूँ, आप देख सकते हैं ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करना है। फिर यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना के रखा था मिक्सर, उसको ऐड कर देंगे अच्छे से। फिर इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर में इसका पानी जल जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे हम लगाएंगे सीटी। 1 मग्गा पानी मैंने ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने गोश्त निकाल कर साइड में रख लिया है, और इसका पानी आपको फेंकना नहीं है, साइड में रख देना है। यहाँ पर फिर से थोड़े से खड़े मसाला और थोड़ा सा प्याज, और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दी हूँ। इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब पानी पूरा जल जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, गोश्त डाल के हम इसे फिर से भूनेंगे। इस तरीके से आपका गोश्त और मसाला अच्छे से भुन जाएगा। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो गोश्त में 1/4 किलो चावल ऐड करी हूँ, आप चाहे 1 किलो चावल भी ऐड कर सकते हैं, जो हमने अखनी बना के रखा था इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऊपर से पानी ऐड करेंगे जिसमें पानी की कमी ना हो, स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करना है। पता नहीं मैं क्यों बार बार नमक ही भूल जाती हूँ। फिर मैंने नमक ऐड करी, पानी ऐड करी, ठीक है, और आपको ज़्यादा पानी नहीं करना है, आप चाहे तो नॉर्मल चावल से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिरयानी वाला चावल लिया था, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सलाद बना के रख ली थी। यहाँ पर थोड़ी देर बाद मेरा जो है बन के तैयार हो चुका है। फास्ट करके आपको स्लो कर देना है, दम पे रख देना है, फिर नॉर्मली इसके ऊपर पुदीना और धनिया से डेकोरेट कर देना है, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस इसी तरीके से आपका जो अखनी पुलाव है बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा यमी और बहुत ही ज्यादा आसान है बनाने में। रायता कचुम्बर सलाद के साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। मेरे इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं 20,000 फॉलोवर, उसी खुशी में हमने ये बनाया है। आप चाहे तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।